एक और प्रॉब्लम है, हम ओहो लैपटॉप नहीं लाए ना, तो एक बार ये फुल हो गया तो फिर कैसे रिकॉर्ड करेंगे? उसका लाया नहीं वो कनेक्टर। पर लैपटॉप भी तो चाहिए ना उसके लिए, कॉपी पेस्ट करने के लिए। हाउ कैन यू डू दिस? क्या वो डेलावर है, चादर ओढ़े मैं सोई थी गाड़ी में आधा घंटा मस्त सोई क्योंकि रात में नींद नहीं हुई थी मेरी। हम दोनों भी 4 बजे सोए हैं, इतनी तैयारी की है। तो हम कहीं तो आ चुके हैं और एकदम गांव जैसा लग रहा है, तो तुमको दिखाती हूँ। ये देखो गांव वाला लड़का मैं कि प्लीज मुझे गाड़ी दे दो, मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ, तुम बाजू में बैठ के आराम करो। बट नहीं, 5 घंटा गाड़ी ज्यादा टाइम चलाना कभी कभी। देखो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है और तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम तुम भी चलाना कभी कभी। ये सेकंड टाइम बोल रहे हैं, फर्स्ट टाइम कभी कभी बोला है, रिकॉर्डिंग में ही है, देखो। ना 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 मैं कितनी बार बोली पता है कि मुझे चलाने दो, मैं बाजू में इस सीट पे बैठ के आराम। तुम्हारी बातों से नींद आ रही थी, गाड़ी चलाने से बिल्कुल नींद नहीं आ रही। आप मेरे बातों से बोर होते हो, नहीं बोला हूँ। सब अपना कीबोर्ड से अभी ना कमेंट में लिखेंगे। नहीं लिखा है उन्होंने, टीम मंजरी वर्सेस टीम विवेक हो जाएगा ऐसे, और फिर सब लोग लिखेंगे टीम विवेक और हम लोग ने लाया है कॉर्न, और कॉर्न क्रिंग करना पड़ेगा नींबू मार के। नींबू तो लिया नहीं, छोड़ो नींबू नहीं तो नहीं। वाह जेट स्की लेके जा रही है। ये पिलो को थोड़ा इग्नोर करना, ये हमारे आराम के लिए था। बुढ़े लोग के आराम के लिए, जो लोग बुढ़े जाते हैं ना वो लोग पिलो लेके घूमते हैं। विवेक तो एकदम गांव वाला लग रहा है ना, एकदम गांव में आके गांव वाला लग रहा है। I'm really really sorry भाभी जी। गांव आ चुके हैं, देखो कुछ कुछ लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, हम लोग बस पहुंच चुके हैं। ये देखो मट्टी पादो, सबके फार्म हाउस है, तो मतलब यहाँ पे देखो कैसी खेती की है। आलू देख, आलू का है, आलू ले लो। आलू ही होता है ना ऐसे, आई डोंट नो, मैंने आलू का थोड़ा खेती ऐसे देखी नहीं है। सो परफेक्ट फार्म हाउस की तरह हम लोग देख रहे हैं, एंड देन अभी रिसर्च करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या क्या प्लांट्स है एंड उसमें क्या क्या उगता है। यहाँ पे देखो सच में मैं भी पहली बार लाइफ में पहली बार यूएस के खेत देख रहा हूँ, लिटरली की प्रॉपर घर खेत मैंने भी नहीं देखा। गाँव में आया ऐसा लग रहा है प्रॉपर। और यहाँ वहाँ पे पानी, ये देखो इवनली सब जगह वही था थोड़ी देर पहले। हाँ वो इरिगेशन सिस्टम है बेसिकली, उसको मूव कर सकते हो। ओके ये देख, जैसे पानी डालना है, पानी गेहूं है, गेहूं मे बी कोई तो सीड्स। कितना बड़ा बड़ा फार्म है ना यहाँ। चलो यूएस की खेती देख ली। कैंप ग्राउंड रैपर, हाय हाय देयर, आई हैव अ कैंप ग्राउंड रिजर्वेशन। ओके यू आर इन द रॉन्ग स्पॉट। ओके व्हेन इन डाउट गो कैंपिंग। Do you have bike rentals here? Yes, they're actually free. You just have to come in here and sign them out. Oh, even better. Nice. देखो मंजरी एम लग जाएगी तो हेल्प करो ना।
अबे यार तू नीचे से ले लो ना, सेम ही तो है यार सब जगह पे। कम है उसमें, चार चार है इसमें, ज्यादा है। हम अपने कैंप स्पॉट पे आ चुके हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले क्लीनिंग करना, क्योंकि यहाँ ग्राउंड पे बहुत सारी मिट्टी है, मतलब मिट्टी नहीं पत्थर है, और ये पाइन कोन्स गिरे हुए हैं, ये सब, तो ये सब चुभेगा हमें रात में, तो ये सब क्लीन करेंगे। और क्लीन करने के बाद हम यहाँ पे टेंट सेटअप करेंगे। थोड़ा बहुत काम है, हम लोग बहुत अनप्रिपेयर्ड हैं इसके लिए, बट देखो कैसा होता है। न्यू चैलेंज। हमें क्या क्या मिला है दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें मिला है एक वुड बर्न करने के लिए एक एरिया, और इसके ऊपर ग्रिलर भी है, तो यहाँ पे हम कुछ ग्रिल कर सकते हैं। हमने सोचा था कि हमारा फर्स्ट टाइम कैंपिंग है, तो हम कुछ खाना वाना इतना लेके नहीं आए हैं, हमने टेक आउट लेके आ गए और वही खा के सो जाएंगे। बट नेक्स्ट टाइम जब कभी भी यहाँ पे आएंगे तो मैरिनेटेड चिकन ला सकते हैं और यहाँ पे मैरिनेट करके फिर एंजॉय कर सकते हैं। कैंप ग्राउंड का एक खुद का एक स्टोर है, वहाँ पे सारे आपको जो भी कैंप रिलेटेड चीज़ें रहती हैं सब मिल जाती हैं, तो वहाँ से मैंने ये वुड उठा ली। और यहाँ पे एक बेंच हमें मिली है। बेस्ट होता कि हमें यहाँ पे अगर एक हम एक कपड़ा लेके आते जो यहाँ पे बिछा देते, बट हमारे पास वो भी नहीं है। कोई बात नहीं, जितना है जो भी हम लेके आए हैं बेसिक स्टफ, उससे हम लोग कैंपिंग तो कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कितनी सारे चीज़ें लाई, देन टू हम लोग ऐसे लग रहा है कि बाकी लोगों को देख के कि कुछ प्रिपेयर नहीं हो गया, और साफ करने के लिए कुछ नहीं है। देखो मैं लाठी से और एक पत्थर वाला है, मुझे अपना वाइट टी शर्ट और एकदम सब जीन्स पहन के, और मेरा चप्पल भी वाइट है। हम लोग थोड़ा शूज से थोड़ा साफ कर लेते हैं ना, बट वो भी नहीं हो पाएगा, बट ऐसे सीखेंगे हमेशा। अभी अकेले है ना, तो अभी थोड़ा चैलेंजिंग होगा, मे बी नेक्स्ट टाइम हम लोग थोड़ा सा और बेटर रहेंगे। तो और नहीं, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और हमारे पास अच्छा खासा सब प्रिपरेशन है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास टेंट है, हमारे पास सोने के लिए पूरा एक स्लीपिंग बैग है, और खाने के लिए खाना है, पीने के लिए पानी है, सब सारी फैसिलिटी है हमारे पास। बट ऑब्वियसली इसमें कोई लिमिट नहीं है, आपको जितना खर्चा करना का चाहे कर सकते हो। लोग यहाँ पे पीछे आरवीज में आए हैं, और यहाँ पे देखो इनके पास एसी है, तो बेसिकली पूरा घर इनके लोगों के पास यहाँ पे पूरा घर है एक तरह से, और यहाँ पे आके उसमें कैंपिंग करते हैं। तो देर इज़ नो लिमिट टू थिंग्स दैट यू कैन डू, और हमें तो मेन था कि कैंपिंग एक्सपीरियंस करना है। थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद हमने अपना टेंट लगा लिया है। थोड़ी मेहनत लगी मुझे, एक वीडियो देखना पड़ा, बट बहुत ही इजी था, लाइक 5-6 मिनट में हो गया सेटअप। अब मुझे इसके पास बस ये जो ग्रीन मंजरी ने होल्ड किया है, ये टार्प, इसको डालना है। ये रेन कवर है, तो अगर बाय चांस बारिश हो गई तो हम गीले तो नहीं होंगे। और फिर अंदर मंजरी, अंदर वो स्लीपिंग बैग निकालना, स्लीपिंग बैग डाल देते हैं, स्लोली स्लोली सब कुछ करेंगे ना। हाँ, तो देखो हमने पूरा सेटअप कर लिया है, और इसमें हमने इंश्योर किया है कि इसका जो एंट्रेंस है वो एकदम फायर के सामने हो, तो यहाँ पे अभी आग जलाएंगे और यहाँ पे सोएंगे, तो अगर ठंडी हुई तो ठंडी नहीं लगेगी भाई। सो हमने अपना टेंट सेटअप पूरा कंप्लीट कर लिया है, थोड़ी डिफिकल्टी हुई बट अल्टीमेटली हो गया, और बहुत एक्साइटमेंट है। अभी मंजरी आपको दिखाएगी कि अंदर टेंट के कैसा माहौल है। मंजरी का एक्साइटमेंट छुपाए छुप नहीं रहा है। तो ये हमारा टेंट सेटअप है, और अंदर जाओगे तो प्रॉपर चार लोग सो सकते हैं। क्वीन साइज का है, तो आदमी प्रॉपर एक क्वीन मैट्रेस आ सकती है। यहाँ पे दो लोग, तीन लोग तो आराम से सो सकते हैं। यहाँ पे चार लोग थोड़ा टाइट होगा शायद ना। और यहाँ पे एक मीडिया पॉकेट भी दिया हुआ है, जहाँ पे हम अपना फोन्स को रखेंगे, वहाँ पे ऊपर फोन्स रख सकते हैं। और हमने ये स्लीपिंग बैग लिया है, ये स्लीपिंग बैग यहाँ बिछाएंगे और फिर रात में यहाँ पे सोना होगा हमारा अंडर द स्टार्स। सामने ही हमारे पास ये आग जलाने के लिए, देखो यहाँ पे एक वुड पड़ा भी हुआ है, तो इसको जलाएंगे। यहाँ पे हम थोड़ा कॉर्न लेके आए हैं, राइट? कॉर्न लाए ना? कॉर्न लाए हैं, और मैंने स्वीट पोटैटो भी लिया है। तो ये कॉर्न स्वीट पोटैटो यहाँ पे हम रोस्ट करेंगे। फर्स्ट
फर्स्ट टाइम है मेरा ये कैंपिंग करने के लिए. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. अभी पता नहीं रात में क्या क्या, क्योंकि एवरी एक्सपीरियंस फॉर मी राइट नाउ इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस. क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सब लोग बहुत कुछ इक्विपमेंट लेके आ रहे हैं. सबके पास आरवीज हैं, पूरा एक सेटअप है, बड़े बड़े टेंट्स हैं और सारा इक्विपमेंट है. और हमारे पास तो सिर्फ एक ही टेंट है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना. तो कोई बात नहीं, लर्निंग एक्सपीरियंस है. फर्स्ट टाइम हम सीखेंगे क्या क्या चाहिए. नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो और इक्विपमेंट लेके आएंगे, तब कैंपिंग और इजी हो जाएगा. बट और कभी मेन तो यही है कि कोई भी चैलेंज से पीछे नहीं भागना है और ऐसे एडवेंचर करते करते और मज़ा आता जाएगा. फिर और एंजॉय करेंगे, फिर और एडवेंचर करेंगे, बस चलता जाएगा. अच्छा विवेक जैसे ही बोल रहा था कि तीन चार दिन से यही सोच रहा कि कैंप करे, उसने ये जगह डिसाइड नहीं की थी. एक्चुअली कोई और जगह डिसाइड की थी, बट इतना जगह देखे हम लोग, कहीं पे भी कैंपिंग ग्राउंड अवेलेबल नहीं था. विवेक ने अचानक पता नहीं ये वाला स्पॉट देखा और एक ही स्पॉट बचा था, एक ही. और हम लोग ने टेंट वेंट सब रात में ले चुके थे. इतनी तैयारी की, इतनी तैयारी की कि सुबह 4 बजे तक हमारी तैयारी चली रही थी. और झगड़ा भी हो गया और फिर उसमें टाइम डिले भी हो गया, फिर आते आते लेट भी हो गया. बहुत कुछ होता रहता है, बट हम वी मेड इट. दैट इज द बेस्ट पार्ट. जो स्पॉट मिला है आई थिंक नसीब में था, इसीलिए इतना अच्छा स्पॉट मिला है. बट हाँ, ऐसे नहीं करना चाहिए, लाइक अनप्लान्ड. अचानक थोड़ा प्लानिंग करो बॉयज, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है. प्लानिंग थोड़ी टाइट होनी चाहिए, टाइम पे निकलना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए. इसीलिए अभी मैं दिखाती हूँ कि विवेक कैसा लग रहा है लेक के बीचों बीच. भाई आई एम सो हैप्पी हियर, व्हाट अ स्पॉट दिस इज. मतलब ऐसा लग रहा है कि जंगल के बीच में एक थोड़ा सा हेवन छुपा के रखा है और मैं एकदम वहीं पे आ गया हूँ. और मेरा तो डेफिनेटली जाने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है. मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे 3-4 दिन तो आदमी को रहना चाहिए. ये सब कैंप ग्राउंड है ना, आप मैक्सिमम यू कैन बुक इट फॉर 14 डेज. तो शायद डेफिनेटली कोई ना कोई लोग तो होते होंगे जो 14 दिन तक यहाँ पे लगातार स्टे करते होंगे. क्योंकि इतना ब्यूटीफुल जगह है, यू कांट एंजॉय दिस प्लेस इन जस्ट लाइक अ फ्यू डेज. यू हैव टू बी हियर फॉर 4-5 डेज. और लोग देखो पीछे जैसे मंजरी दिखाएगी, लोग यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं, अपना अपना बोट लेके आ करके फिशिंग कर रहे हैं. बाजू में बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा प्लेग्राउंड भी बना दिया है इन लोगों ने. और कैंपिंग के लिए आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, आपका इलेक्ट्रिक हुकअप है, वाटर सप्लाई है. तो आपके स्पॉट पे ही एक पानी का एक स्पाउट होगा और वहाँ पे अपनी गाड़ी को भी आप चार्ज कर सकते हो. और बड़ी बड़ी यहाँ पे तो बड़ी बड़ी आरवीज लेके आए हैं, पूरा बड़ा सा घर समझ लो आप वहाँ पे, उसके अंदर पूरा फैसिलिटीज़ है. बट यहाँ पे बोट रेंटिंग भी मिलती है. हाँ, रेंटल्स भी हैं, रेंटल भी सब कुछ आपको बोट्स रेंट पे मिल जाएंगी. देखो वहाँ पे दिख रही है मुझे शायद, वहाँ पे एक एरिया ना, वहाँ जाके बोट्स रेंट पे ले लो. साइकिल्स तो आपको फ्री में रेंट पे मिल रही हैं. और मतलब अगर आपके पास कुछ नहीं भी है तो भी यहाँ पे आओगे तो सब चीज़ आपको मिल जाएगा. तो हमें अभी पता चला है कि यहाँ पे फिशिंग टूर्नामेंट होने वाला है कल. तो ऑब्वियसली मुझे फिशिंग का एफ भी नहीं आता है, बट मैं मंजरी को बोल रहा हूँ कि बिगिनर्स लक भी होता है. तो अगर क्या पता मैं पार्टिसिपेट कर लेता हूँ और अगर मैं जीत गया तो माला माल हो जाएंगे. एक छोटी सी भी फिश पकड़ लेना तो मेरे लिए तो विक्ट्री है. मेरा ऐसा एक बहुत ड्रीम सीक्वेंस है कि मैं ऐसा एक ड्रोन उड़ाऊं कि जो पहले हवा में ऊपर रहे और फिर ऐसे स्लोली पानी के पास है और पानी को टच करके ऊपर चला जाए वापस. सिर्फ टच करके जाना चाहिए, जैसे वो सुपरमैन मूवी में सुपरमैन आता है ना, ऐसे उड़ते उड़ते हल्का सा पानी टच करके जाता है. पता चला कि एलिगेटर को लगा कि वो बर्ड है. और गाइस कितना क्रिएटिव हो सकता है ना. तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे वो सब है एलिगेटर? एलिगेटर होते तो शायद टूर्नामेंट नहीं होती है. ये कैंप ग्राउंड इतना डेंजरस नहीं है, यहाँ पे कोई इतना जंगली जानवर है नहीं. पर अगर होगा भी तो फिर रात में पता चलेगा. सबसे बड़ा जानवर तो मैं ही हूँ, उसके बाद सेकंड है मंजरी. एक मिनट, मुझे पहले तो बहुत ज्यादा भूख लगी है, उसके बाद बात करेंगे. अभी मंजरी अभी शिकार पे, अभी वो वैम्पायर्स के जाकर के लोगों को खा लेगी. यहाँ पे कैंप ग्राउंड के लोग ना सब लोग को डर के रहना चाहिए अभी, क्योंकि अभी सबकी जिंदगी खतरे में है. वैसे मुझे वैम्पायर्स बहुत पसंद है, मतलब लाइक
मजा आता है, मतलब वो शोज वगैरह मैंने देखे। अरे मंजरी का माइंड एकदम करप्ट हो चुका है, वो ना ये लोग वो एक्लिप्स और न्यू मून ये सब पिक्चर देख देख के ना इन लोग को ना इन लोग को लगता है कि वैम्पायर मतलब रोमांस, बट वैम्पायर बिल्कुल रोमांस नहीं करते, ठीक है, वो लोग सिर्फ खून पीते हैं लोगों का। बट इन ये पता नहीं कोई तो राइटर थी जिसने वैसा बना दिया कि वैम्पायर मतलब रोमांस कर रहे हैं। वाह देखो यहाँ पे लोगों के कितने औसम औसम आरवीज हैं, एकदम पूरा घर है छोटा सा, और हमारा देखो हमारा देखो हमारी एक गाड़ी है यहाँ पे और एक टेंट है छोटा सा, बस हम इसमें ही रहेंगे आज। इससे बेस्ट कुछ नहीं है पता है। वहाँ सामने देखो लोगों ने लाइट वाइट एकदम अलग ही माहौल बना दिया है, म्यूजिक देख रहे हो यहाँ पे, लेफ्ट में देख लेफ्ट में झूले, सच में इतने अच्छे कैंपिंग कैसे करते हैं। साइकिल लेके आते हैं यहीं पे रख देते ना, नहीं वो लड़का साइकिल चला रहा था, यहाँ पे साइकिल रखा है, चल जाएगी अगर मेहनत कर, चल जाएगी, ये लोग चलाए ना। तो मंजरी ने अभी वापस एक रिक्वेस्ट डाल दिया कि टेंट की लोकेशन सही नहीं है, इसको यहाँ होना चाहिए था, तो पहले वहाँ पे साफ सफाई की, उतनी मेहनत वेस्ट, फिर वापस यहाँ वापस साफ सफाई करनी है यहाँ पे लगाने के लिए। सच में परफेक्ट, बहुत सोच के बनाया ये लाइट, वाओ पूरा रोशनी हो गई घर में। आज के लिए ये हमारा घर है, और अब हम यहाँ पे देखो मंजरी, यहाँ पे अभी हमारा जो स्लीपिंग बैग है इसको स्प्रेड करके सोने के लिए बन जाएगा, और हमारा चद्दर है जो घर से लेके आए, परफेक्ट। ये कौन सा नेचर कौन सा ऊपर है? ये ऊपर रहता है, ये अंदर रहता है, दिस थिंग इज ऑन द बॉडी, ये बॉडी पे टच होता है, ये नीचे ना। हाँ भाई एक सॉफ्ट हो गया है ब्रो, ऐसा लग नहीं रहा फ्लोर पे सुने, और तेरे सारे मजीद सारा बैक पेन चला जाएगा क्योंकि ये तो फ्लोर हार्ड सरफेस है ना, हार्ड सरफेस में लोग बोलते हैं सोने से बैक पेन चला जाता है। सो बॉयज अब टाइम है इस आग को जलाने का, क्योंकि इसके बिना हम खाना नहीं बना पाएंगे, जो भी हम लेके आए हैं थोड़ा बहुत, तो मेरे पास सारा इक्विपमेंट तो है, और जलाने की कोशिश करते हैं। तो हमने ये एक छोटा सा लाइट भी लिया हुआ है जो हम टेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं रोशनी के लिए, टेंट रात में हमें कहीं कुछ भी जरूरत लगी तो ये लेके जा सकते हैं, बहुत ही पोर्टेबल है, लाइट वेट है। नेक्स्ट थिंग इज़ टू लाइट दिस फायर, वुड मुझे यहाँ पे ही स्टोर में मिल गई थी, और ये एक लाइटर ब्रिक जो है ये आपको चाहिए रहेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी आग कर लेता है, और इसकी मदद से आप सारा वुड जला सकते हो बहुत ईजिली, क्योंकि ये वुड ड्राई वुड है तो जल्दी आग पकड़ेगा, बट इसको डायरेक्टली जलाना डिफिकल्ट है थोड़ा, इसलिए ये स्टोर में एक लाइटर ब्रिक मिलता है जिसको आप ले लो, काफ़ी सस्ता है, इसको जलाओ और इसके थ्रू बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा ड्राई वुड पे, तो फिर आपकी फिर फायर जितनी वुड मेरे लिए है मेरे हिसाब से एक दो घंटा तो आराम से जलनी चाहिए। और ये रहा हमारा एक लाइटर जिससे हम इस आग को जलाएंगे। तो ये देखो अब इस लाइटर ब्रिक को मैं पहले इससे जलाता हूँ हल्का सा। हमारा भी अच्छा होगा, टेंशन क्यों लेते हो, अभी तो हम चालू कर रहे हैं ना बस, चाहिए तो पूरा इतना बड़ा आग लगाता हूँ ना कि पूरे कैंप ग्राउंड में सिर्फ हमारा आग दिखेगा, फिर फायर भी मेडिकल भी आ जाएगा, फायर एक्सटिंग्विशर को भी बुलाना पड़ेगा। तो देखो मैंने अभी वो लाइटर ब्रिक में आग लगा दी है और उसके ऊपर वुड को ऐसे सजा दिया है, अब धीरे धीरे जो ये ड्राई जो वुड है ये इसको पकड़ लेगी और फिर ये अच्छे से चलने लगेगा होपफुली। हमने वॉलमार्ट से दो चेयर्स भी ली थी, ये देखो ये सामने दो चेयर्स हैं, काफी सस्ती सी चेयर थी, पर ये बैठने के लिए काफी कंफर्टेबल है, एटलीस्ट यहाँ पे तो कंफर्टेबल है। और साथ में हमने लिया था ये एक वाटर कूलर, भाई यहाँ तो एक इंसेक्ट दिख रहा है। तो सारा सेटअप हो गया है, खाना हमने निकाल लिया है और आग भी अच्छे से जल रही है मेरे सामने, देखो आप प्रॉपर आग पकड़ ली है, और एक्स्ट्रा वुड भी है हमारे पास, जैसे ये ख़त्म हो जाएगी तो बाकी के वुड डालेंगे और फायर को जलते रहने देंगे।
अभी निकाल के कुछ खाना ना खाते हैं। हमें आग जलाने में बड़ी तकलीफ हुई, बीच में हमारी आग बुझ गई थी तो पूरा मेहनत करनी पड़ी वापस इसको जलाने में। आई वुड रिकमेंड कि आप कोई भी वेट वेस्ट जो है ना उसको आग में मत डालो क्योंकि उससे वो बुझ जाता है। ऐसे तो सीखेंगे। और हमारे पास अभी है ये कॉर्न और इस कॉर्न को हम लोग आग में रोस्ट करेंगे। देखो ये मेरा बन गया है कॉर्न का स्टेक और अब इसको प्रॉपर रोस्ट कर पाएंगे सूबे कर। साथ में मैंने एक आलू भी डाला हुआ है नीचे वहाँ पे, तो वो भी मस्त शायद पकेगा। पकने के बाद उसको खाएंगे। हमने ये स्कूअर्स लिए थे बहुत लंबे से, तो ये इससे ना आपको ज्यादा आग के पास आने की जरूरत नहीं है, दूर से ही ऐसे कर सकते हो बैठ के आराम से। बट अगर ज्यादा हैवी चीज हुआ ना तो फिर जल जाएगा। मंजरी तुम क्या खाने वाले हो आज? अभी सैलेड एंड हमारे पास बाउल है। खाने के लिए बाउल भी है अभी? अच्छा नहीं, अच्छा ऑलरेडी पैकेज्ड राइस। देख रहे मंजरी जंगलों में भी इतना अच्छा खाना खा रही है। देखो इतना हेल्दी सैलेड है यहाँ पे। और दूसरा खाओ भाई, क्या गर्मी। दूसरा हमने वावा से ले लिया था ना, और अंडे उबाल के भी लाए हैं, वो सुबह ब्रेकफास्ट में खाएंगे ना। वाव भाई ये तो अल्टीमेट है। चलो क्या गर्मी लग रही है बेबी, सच में। थोड़ा आपको बाहर का माहौल दिखाता हूँ, देखो कैसा है, काफी डार्क है तो आई डोंट थिंक सो आपको सब कुछ दिख पा रहा है, बट वेरी नाइस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी सो के उठा और बहुत ही बढ़िया नींद आई। बीच में एक दो बार ठंडी लग रही थी तो मैंने ये एक और ब्लैंकेट ले लिया, तो मस्त फिर गर्मी हो गई और पूरा रात भर मस्त सोया, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है कि रास्ते बीच में थोड़ी ऐसी आवाज़ें आ रही थी बाहर से, तो थोड़ा डर टाइप लग रहा था, बट एक्चुअली वो सब ऐसे नॉर्मल बर्ड्स या इंसेक्ट्स यही थे। और सुबह एकदम जल्दी नींद खुल गई मेरी क्योंकि बहुत बर्ड्स बोल रहे थे। हमारे पास एक छोटा सा विंडो है ये टेंट में, सामने हमारे चेयर्स दिख रहे हैं और हमने यहाँ पे आग कल रात में आग जलाई थी। तो अभी हमारा प्लान है यहाँ से उठ के जाके थोड़ा फ्रेश अप होने का, ब्रश करेंगे और यहाँ पे शावर्स हैं तो शायद हम नहा में शायद शावर भी ले लूँ एक, एकदम फ्रेश अप होने के लिए। मंजरी मंजरी का फोन घूम चुका है और रात में 3-4 बार सपने भी आ गए फोन मिलने के, तो देखो अभी पता नहीं फोन मिलता है कि नहीं मिलता है, द बिगेस्ट मिस्ट्री। ये टेंट हमने कल की मेहनत से बनाया और अब हम इसको निकाल रहे हैं। और बहुत ही औसम चीज़ यहाँ के बारे में कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आउटलेट है, तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आ रहे हो जैसे मैं लेके आया हूँ तो उसको रात भर चार्ज पे लगा दो, सुबह आपकी बैटरी फुल जाएगी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट चार्जिंग क्या कार या फिर योर बैटरी गेटिंग लो। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मैंने कैसे यहाँ पे जो कनेक्टर आता है जो टेस्ला ने कार के साथ ही दिया था वही यूज़। हाँ चार्जिंग स्लो है, सुपर चार्जर की तरह फास्ट नहीं है, बट मस्त गाड़ी चार्ज हो रही है और अभी हम यहाँ से निकलेंगे। ये देखो मैं कह रहा था कि मेरे पास ये टेस्ला का जो पावर अडाप्टर है ये तो ऑलरेडी पहले से था, इसको मैंने अटैच कर दिया है गाड़ी के साथ, तो गाड़ी देखो यहाँ पे चार्ज हो रही है ब्लू फ्लैशिंग लाइट, और यहाँ से कनेक्ट किया है अपने इसको पावर सप्लाई से, तो गाड़ी चार्ज हो रही है और हम कैंपिंग भी कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ आओ और आपको चार्ज की टेंशन हो तो यहाँ पे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बस यू हैव टू इंश्योर कि आप ऐसे कैंप ग्राउंड पे आओ जहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंप ग्राउंड हैं जहाँ पे नहीं होती है तो वहाँ पे आप नहीं चार्ज कर पाओगे।
कल काफी हेक्टिक था स्केड्यूल, इतना ड्राइव किया और बहुत जगह पे वेट किए, थोड़ा डर्टी फील हो रहा था, तो मैं अच्छा हुआ मैं स्पेयर क्लोथ्स लेके आया और यहाँ पे क्विक शावर लिया। हम लोग को मिलता है गाड़ी में तो बेस्ट है, शायद स्विच ऑफ हो, अभी भी लग नहीं रहा फोन। और दूसरी बात, नहीं तो फोन न्यू लेना पड़ेगा, तो न्यू कौन सा वाला ले वो भी सर्च कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या ले। थोड़ा सा इसके वजह से दोनों का मूड थोड़ा सा ऑफ है कि फोन नहीं मिल रहा, बट लेट्स सी। फाइनली हमें संतुष्टि मिल चुकी है कि फोन गायब है, और इतना ढूंढा जहाँ भी रुक रहे हर जगह ढूंढ रहे बट फ़ोन नहीं मिला और कॉल भी नहीं जा रहा है उसको। सो आई थिंक मैंने तो गिव अप कर दिया है, अब अगर मिल गया तो मिराकल होगा, वरना मेरी तरफ से तो ना है। रास्ते में स्वामीनारायण का बड़ा सा मंदिर हमें देखने मिला, वहाँ पे हमारा डिनर भी हो गया, प्रसाद भी मिल गया, तो थोड़ा मन थोड़ा शांत हो गया, अदरवाइज ना बहुत ही बैड फील हो रहा था। पता है क्या हुआ, हम घर पे आए, सारा अनपैकिंग कर रहे थे और अचानक से एक बैग में मंजरी का फोन, जो कल रात से नहीं मिल रहा था, वो उसमें कहीं छुप के ऐसे नीचे पड़ा हुआ था। और मंजरी को मिला तो मंजरी को भरोसा ही नहीं हुआ कि उसमें वो उसका फोन है, और वो निकाल के पूरा दो मिनट सिर्फ स्टेयर करी थी कि हाँ ठीक है, फिर उसने मतलब विवेक फोन, और फिर तो मतलब थोड़ा आंसू की नदियां बहने लगी। और मतलब क्योंकि कल रात से हम लोग ने इतना ढूंढा उस फोन को, मतलब पूरी कार छान मारी, मंजरी तो कार के नीचे भी देख ली, कहीं कार के नीचे तो चिपक नहीं गया या फिर टायर के बीच में फंस नहीं गया, तो मतलब ऐसी कोई जगह नहीं बची। कैंप ग्राउंड में भी हम वहाँ पे थे तो पूरा जो जहाँ हमारा एरिया था सब कुछ मंजरी ने देख लिया, और मैंने भी पूरा सुबह उठ के प्रॉपर घास में चेक किया, हर चीज देखा और नहीं मिला। फिर इतना टेंशन में घर पे आए और फिर सब सामान अनपैक कर रहे थे तो उस सामान में के बीच में ऐसा पड़ा हुआ।